हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? ओके, तो हम लोग अपना वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, वेक्टर्स का पोर्शन, वेक्टर्स का जो पार्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एडिशन का थ्योरी, एडिशन के ऊपर न्यूमरिकल्स, एंड देन हम लोग ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लिया। ये सारा चीज हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है? न्यूमरिकल्स भी किए हैं, एंड फिजिक्स पढ़ने के बाद जब तक आप न्यूमरिकल्स नहीं करोगे ना, आपको वो टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए न्यूमरिकल्स करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, हम ना एक चीज बताना बार बार भूल गए हैं आपको। हर बार मुझे याद आता है पर हम बार बार बताना भूल जाते हैं। देखिए, हम लोग ने जो ये रिजल्टेंट R इक्वल्स टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर लिखा था ना, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ या फिर पैरेललोग्राम्स लॉ, याद है ना? ट्रायंगल्स लॉ ये वाला बोलिए, हेड टेल मेथड, ये एक वेक्टर है V1, ये एक वेक्टर है V2, एंड ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन R, यहां से या फिर यहां से पैरेललोग्राम से दो वेक्टर्स को टेल से जोड़ दीजिए v1 v2, और अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम तो जो डायगोनल होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर v1 plus v2। यहां से आप ट्रायंगल्स लॉ यूज कीजिए या फिर पैरेललोग्राम्स लॉ यूज कीजिए, ये आएगा ना टेड है डिश, ठीक है? तो यहां से हम लोग डिराइव किए थे कि भैया R मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है V1 का मॉड स्क्वायर प्लस V2 का मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 मॉड V2 मॉड कॉस थीटा। हाँ या ना? ऑब्वियसली किए थे लोग, एंड हम बार बार ये चीज बताना आपको भूल जाते थे कि भैया इस रिलेशन का एक नाम है। आप अपने बुक में पढ़ोगे, कभी देखोगे तो बोलोगे इस रिलेशन का एक नाम है, और इसी रिलेशन का नाम को बोलते हैं लॉज ऑफ कोसाइन। कोसाइन क्यों? क्योंकि यहां पर ये कॉस लगता है ना, इसमें इस रिलेशन में क्या आता है? कॉस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इसे हम बार बार बताना भूल जाते हैं आपको। मुझे याद आ रहा था पर हम न्यूमरिकल्स करने में इतना इन्वॉल्व रहते थे कि बोलना भूल जाते हैं आपको कि ये रिलेशन को ही लॉज ऑफ कोसाइन कहा गया है, ठीक है? अगर इफ इनकेस कोई आपसे पूछ ले भैया लॉज ऑफ कोसाइन बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंपल सा रिलेशन ही कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इटसेल्फ कॉल्ड Laws of cosine, ठीक है? ठीक है, ये था हम लोग का अभी तक का जो पढ़े हम लोग, और subtraction is just a inverse of addition, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए इतना। ओके, अब देखिए आज क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग, आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं लॉज ऑफ साइन। ये था लॉज ऑफ कोसाइन, आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं लॉज ऑफ साइन, एस आई एन ई एस। आपको पता चलेगा क्यों इसको लॉज ऑफ साइन बोलते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा, लॉज ऑफ साइन पढ़ने के लिए ना हम लोग को पहले एक कंसेप्ट जानना, एक समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियंट, बी आर आई ए एन टी, इक्विलिब्रियंट, ठीक है? अच्छा, ये इक्विलिब्रियम जो वर्ड है ना, ये आता है इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियंट आता है इक्विलिब्रियम से। अब समझते हैं कि ये क्या बोलता है, मिटा देने से नहीं मिटा देना, ठीक है? ओके, इसको पहले लिखते हैं फिर आपको सुनाते हैं हम। देखिए, when two or more then two vectors act
when two or more vectors act at a point, then their resultant vector can be obtained from Polygon's law. हाँ या ना, याद है Polygon's law क्या है? ठीक है, जब दो है तो parallelogram triangle's law काम कर देगा, पर अगर दो से ज्यादा है तो Polygon law को यूज करके हम उसका resultant vector निकाल सकते हैं. Polygon law and a vector equal in magnitude, a vector equal in magnitude but oppositely directed to the resultant vector is called equilibrant. यार ant, हाँ यार ना, कुछ समझ में नहीं आया. पता नहीं समझ में आया, समझते क्या बोल रहा हूँ. देखिए, चलिए ये मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है O, यहाँ पर तीन वेक्टर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, मान लीजिए V1, ये V2, ये V3. हाँ या ना, इस पॉइंट पे ये तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहा है. चलो चार लेते हैं V1, V2, V3. ठीक है, आ गया. ठीक है, ये V4 कर दे रहा. हाँ चलो ठीक है, इस पॉइंट O पे चार वेक्टर्स ऐड कर रहा है. इसका अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना हो फ्रॉम पॉलीगॉन्स, तो कैसे करेंगे? ये हो गया मेरा वेक्टर V1, V2 को इसका टेल्स हेड से जोड़ दीजिए, V2 वेक्टर का हेड से V3 वेक्टर का टेल जोड़ दीजिए भैया, ये रहा, और V4 वेक्टर का टेल को V3 वेक्टर में जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक. तो ये एक ओपन हेड है, ओपन टेल, ओपन हेड. तो मुझे अगर रिजल्टेंट चाहिए क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर. ये किसका रिजल्टेंट है? ये है रिजल्टेंट ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिखे मैं, सॉरी, प्लस V4. हाँ या ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है, मतलब कि ये चारों मिलकर, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों मिलकर इस पॉइंट पर जो इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ये चारों वेक्टर्स मिलकर जो इस पॉइंट पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा, वो सारा इंपैक्ट ये रिजल्टेंट वेक्टर अकेला कर लेगा. ठीक है, जो काम ये चार वेक्टर्स मिलके खुद से करेगा, वो काम ये रिजल्टेंट वेक्टर अकेला कर लेगा. ठीक है, ये तो मतलब होता है ना. ठीक है, एंड अ वेक्टर ऑपोजिट टू दिस वेक्टर बट मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इस वेक्टर का अगर हम एक ऑपोजिट वेक्टर ले यहां पर, सच दैट इसको हम नाम दे रहे EQ विल बी इक्वल टू -R वेक्टर, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियंट. क्यों? क्योंकि जब ये वेक्टर, देखो भैया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अब इस पर हम एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियंट, वो एक्ट करा दी इस डायरेक्शन में, उस केस में क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स को ये इक्विलिब्रियंट फोर्स बैलेंस कर देगा तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम आ जाएगा. हाँ या ना, ये चारों वेक्टर्स था, इसका रिजल्टेंट ये है. अब अगर इस पर एक हम वेक्टर ले दे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा.
इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम कहा गया है, ये इक्यू को इक्विलिब्रियम कहा गया है, विच इज नेगेटिव ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ यार ना, ठीक है, इजी तो है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लीज हम लोग ना, हम लोग को जो रेलिवेंट रहेगा, ये तो चार वेक्टर्स के लिए पढ़े ना हम लोग इसको, अब ये फोर वेक्टर्स के लिए था, फोर वेक्टर्स के लिए, पर हम लोग को ना दो वेक्टर्स के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है सिर्फ। कहाँ गया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ए, समझ में आया क्या बोले हम? जो एक पॉइंट पे चार वेक्टर्स ऐड कर हम इन चारों का रिजल्टेंट निकाल लिया, हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम अगर इस सिस्टम पे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने फोर वेक्टर्स के लिए पढ़ा, पर हम लोग को बेसिकली तो हम लोग बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्लास 11 में पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा चीज है, ये मान लीजिए एक वेक्टर है इधर, ये एक वेक्टर गया इधर, ठीक है, ये वेक्टर है मान लीजिए v1, ये वेक्टर है v2, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट लें, अगर हम इसका पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर दें, तो ये भी एक वेक्टर बनेगा v2 इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये v2 है तो ये भी v2 होगा ना, तो उस केस में अगर हम चाहें तो इसको इसका रिजल्टेंट बना सकते, अरे यार चलो रिजल्टेंट बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया r, ठीक है, तो इस अगर r वेक्टर का हम एक नेगेटिव वेक्टर ले लें इस तरफ, अगर इस r वेक्टर को हम, प्लीज ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर इस r वेक्टर को हम इस तरफ ला दें तो क्या बन जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा माइनस आर, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में यहां पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा ओ, वो क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, दो वेक्टर्स समझने की कोशिश कीजिएगा, दो वेक्टर्स था आपके पास, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है, ये मतलब कि दो जो इम्पैक्ट ये दोनों मिलके क्रिएट करेगा वही इम्पैक्ट ये अकेले कर लेगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये है। अगर हम एक और वेक्टर ऐड कर दें यहां पर, ठीक है, तो मान लीजिए इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा हूं, इसको मान लो ऐसे नहीं था, ठीक है, अब ये ऐसे था, अब ये ऐसे है कि यहां पर एक ऐसा वेक्टर है कि आपके पास दो वेक्टर्स इस तरफ है और थर्ड वेक्टर इस तरफ है, सच दैट हम बोल सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्या बताएं हम आपको, देखिए अब क्या बोले हम, इफ टू वेक्टर्स, कैसे समझाएं आपको हम, प्लीज ध्यान से दीजिए, मिटाना पड़ेगा लग रहा मुझे, अच्छा कोई नहीं, अब मोमेंटम खराब हो गया, सुनो पहले, अब फिर से वही कर लेते हैं, पहले बार पहले वो कंप्लीट करता हूँ एक बार, फिर आते हैं उस पर। ये हो गया इधर, ये था मेरा v2 वेक्टर, ये था रिजल्टेंट वेक्टर r, ये है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इस रिजल्टेंट का नेगेटिव वेक्टर को हम लोग इक्विलिब्रियम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग और समझते हैं इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। अच्छा तो हम लोग क्या पढ़े, आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया कि रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ट्राई करते हैं समझने का इक्विलिब्रियम कब होता है,
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज इन अ, कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो है, विच इंप्लाइज सिस्टम इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी के और सिस्टम इज एट इन इज एट रेस्ट। ठीक है, ये दोनों केस का होता है इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? नेट फोर्स जीरो है उस पर। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों केस होता है। पता है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, अब देखिए, अब प्लीज ट्राई कीजिए समझने को इसको। मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर्स है, ये ए, हम अब चेंज कर रहे हैं नोटेशंस। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये मेरा सी वेक्टर है। देखिए, इस पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, समझने की कोशिश, लिखवाएंगे इतनी ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग। इस पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, और इस पॉइंट पर देखिए तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे ये तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट पर तीन वेक्टर्स ए बी सी एक्ट कर रहा है। सच दैट रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये भी तो बी वेक्टर है। इट इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द नेगेटिव वेक्टर, इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। क्या बोले हम? And C is equals to minus R, which implies C is equals to minus R, मतलब ये minus A plus B, which implies इधर आ जाएगा तो जाएगा A plus B plus C is equals to zero। तो टोटल फोर्स जीरो है, दैट इज टोटल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, विच इंप्लाइज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इफ एट अ पॉइंट वी have three forces, if at a point three forces are acting such that resultant magnitude of two is equal and opposite to the third vector, to the third force। ये situation है मेरे पास, ये situation लिया हम, ये मेरा situation है। ठीक है, ये कंडीशन है मेरे पास कि, अब प्लीज ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं। हम लोग के पास ये तीन वेक्टर्स है ए बी सी, हम लोग के पास सिर्फ तीन वेक्टर्स है ए बी एंड ये सी। ठीक है, उस केस में हम बोल रहे हैं कि अगर इफ
इफ ये है एंड ये है, अगर ये दोनों कंडीशन है मेरे पास, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि विच इंप्लाइज दिस, विच इंप्लाइज दिस, विच इंप्लाइज दिस। अगर दो, अगर तीन वेक्टर्स है सच दैट इन दोनों का सम, इन दोनों का रिजल्टेंट आर, ए और बी का रिजल्टेंट आर इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ द थर्ड वेक्टर, ए और बी का रिजल्टेंट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द थर्ड वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा? ये माइनस बी हो गया, ये c इक्वल्स टू माइनस आर, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये माइनस इधर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ तीनों फोर्स, टोटल फोर्स कितना है? जीरो है, इसलिए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक और चीज बताएंगे इसे। अब देखिए ये जो फिगर है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ए है, ये बी है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये ए है, ये बी है, और अगर हम पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करें तो ये वेक्टर हो, प्लीज ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम, इस तरफ जो वेक्टर बनता है ये ए है, ये भी तो ये भी, ये ए है इस तरफ, इस डायरेक्शन में बी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ होता है, पर अगर रिजल्टेंट का नेगेटिव ले ले तो वेक्टर इस तरफ होगा। देखिए हाँ या ना, ये ए ये बी ये माइनस आर, ये ए ये बी ये माइनस आर, ए बी माइनस आर, पी क्यू आर, ए बी माइनस आर, यही तो है ना, ए प्लस बी प्लस सी, सी है माइनस आर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो बराबर है ना। थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि देखिए ए प्लस बी होता है आर इस तरफ, हमने आर को रिवर्स, ए प्लस बी होता है आर वेक्टर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने आर को रिवर्स कर दिया, हमने सिर्फ ऐसे किया, ये था ए ये था बी इस तरफ, ए इस तरफ, हमने आर को इस तरफ कर दिया बस, तो क्या हो जाएगा, हमने जो रिजल्टेंट फोर्स था उसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहां भी देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, सी विच इज इक्वल टू माइनस आर, ये सी वेक्टर के बराबर है, सी वेक्टर इस तरफ था ना, सी वेक्टर देखिए इधर था, सी वेक्टर इस तरफ था, ये सी वेक्टर इस तरफ है जो माइनस आर के बराबर है। यहां भी अगर आप रूल्स फॉलो करो तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, माइनस आर, आर इज इक्वल टू माइनस सी। यहां से भी अगर हम रूल अप्लाई करें तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक आर क्या है माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी उधर जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन, यही तो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, यही तो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी आप देखोगे जब हम लोग लॉज ऑफ साइन पढ़ेंगे तो हम इतना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फोकस क्यों कर रहे हैं, कि बार बार इक्विलिब्रियम समझना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक और प्लीज नोट कीजिएगा, इफ इफ द थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ए बी सी, ए बी सी, नॉर्मल ट्रायंगल
अपोजिट टू द अपोजिट होगा इसके साइड के, पर अगर ऐसा हो गया कि ए बी सी तीनों सेम डायरेक्शन में है, सेम ऑर्डर, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आता, आपको इसी तरह से समझ आ पाए कि नहीं समझा पाए, कितना टाइम हो गया फिर समझाने में ही, ए राम 25 मिनट से बीत गया। देखिए समझ में क्या बोल रहा हूँ, पहले हम लोगों ने समझा इक्विलिब्रियंट क्या होता है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियंट ऐसा वेक्टर है जो रिजल्टेंट का नेगेटिव वेक्टर होता है, तो अगर हम एक सिस्टम पे इक्विलिब्रियंट वेक्टर अप्लाई करते हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो सेम चीज अब हम समझना चाहते हैं सिर्फ दो सिर्फ तीन वेक्टर्स को लेकर, बस तीन वेक्टर्स है ए बी सी, सच दैट ए और बी का सम इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ थर्ड वेक्टर, ए और बी का सम है आर, बट आर इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ थर्ड वेक्टर, तो यहां से सी इज इक्वल टू माइनस आर, ए इक्वल टू ए प्लस बी, लग गया ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सेइंग दैट कि अगर मेरे पास ऐसा है कि इफ द थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, इफ थ्री वेक्टर्स are represented by three sides of a triangle taken in same order, तो system equilibrium में होना ही है बस, और हम कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है, अब हम लोग laws of sine पे move करते हैं। चलिए जल्दी से अब हम लोग अपना laws of sine पे move करते हैं। ठीक है, जो laws of sine का नाम है इसको कभी कभी कोई कोई बुक में Lamy's थ्योरम भी कहा जाता है, पर हम लोग लॉज ऑफ साइन से जानेंगे इसको, लॉज ऑफ साइन। ठीक है ओके, देखिए क्या बोलता है, सिंपली बोलता है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन, सॉरी अपॉन का स्पेलिंग नहीं आता है, अपॉन by an action of three vectors, then the magnitude of each vector bears a bars bears a constant ratio with the sine of the angle between the other two vectors। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया आपको, अभी डायग्राम बना के समझाएंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख तो लिया ना एटलीस्ट, चलिए ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करते क्या बोलता है भैया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो हम लोग करते थे वही करेंगे हम लोग, ये मान लेते हैं वेक्टर v1 है, v2, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये पॉइंट O है, तो अगर हमको अपना काम धाम कंप्लीट करना है तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर ये वेक्टर v2 है तो ये वाला वेक्टर भी v2 ही होगा। ठीक है, अब क्या सिंपल सा कहानी है, अब आप चाहो तो यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट बनाने के लिए यहां से ऐसे एक वेक्टर बना सकते हो,
ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ या ना? ठीक ठीक सच दैट ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल हम लोग बीटा अज्यूम करते थे, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल अगर बीटा है तो क्या ये एंगल भी बीटा होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक ठीक अब देखिए, अब हम लोग अगर इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक, और इसको ना, इसको ना, ओ मत नाम दो भैया, ए नाम देते जो लोग कर दे, लो ए बी सी डी, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर, अब देखिएगा हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम लोग ई नाम दिया करते थे, कुछ याद आया? कुछ तो याद आया, कुछ तो याद आया, ठीक है ओके। अब देखिए, अच्छा हम पहले लिख देते हैं फिर प्रूफ करते हैं आपको, ये हो गया, और कुछ बोलना है मुझे? ये हो गया वेक्टर v1, ऑब्वियसली ये भी v2 होगा, ये भी, ये वाला वेक्टर, ये वाला v2 ही है, ब्लैक वाला, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है कि इफ अ पॉइंट इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री वेक्टर्स v1 v2 r, v1 v2 r, v1 v2 r, तीन वेक्टर्स, then magnitude of each vector bears a constant ratio with the sine of the angle between the other two, that is r by resultant vector, एक vector ये है r, इसका magnitude है r, मान ले रहे हैं, अच्छा चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, magnitude of r vector कितना हो जाएगा, अच्छा ये होगा, ये किसके साथ constant ratio bear करेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स v1 एंड v2, और वो कितना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर बेयर करेगा कॉन्स्टेंट रेशियो विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, मतलब v1 और v2 विद एंगल का थीटा, मतलब ये हो जाएगा r by साइन थीटा इज इक्वल टू v1 mod का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके साथ कॉन्स्टेंट रेशियो बेयर करेगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड वी टू, बिटवीन आर एंड वी टू, ये है आर, ये है वी टू, ये है आर, ये है वी टू, कितना है बीटा, एंड सिमिलरली वी टू के साथ बेयर करेगा साइन ऑफ द एंगल, एंगल बिटवीन वी वन एंड आर, एंगल बिटवीन वी वन एंड आर अल्फा, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलता है ये। अब बोलो भैया याद कैसे करेंगे उसको, याद करने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, जल्दी इसका डेरिवेशन कर लेते हैं यहीं पर, फिर आपको हम बता देंगे इसका याद करने का तरीका क्या है, जल्दी से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम, पता नहीं एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पता नहीं पूछ भी सकता नहीं पूछेगा, तो फिर भी हम लोग अपना कर लेते, समझ लेते कैसे करना है, देखिए ओके, पहले तो यहां पे कंस्ट्रक्शन किए हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, कंस्ट्रक्टिंग ये है लैमिस थ्योरम या फिर लॉज ऑफ साइन, क्यों देखिए साइन ऑफ एंगल है हर बार, ठीक है। अब हम इसको दिखा रहे, ये तो हम बस स्टेट किए हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इस डायग्राम को यूज करेंगे हम, कंस्ट्रक्टिंग CE perpendicular to AB produced, ठीक है, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, हाँ या ना, ठीक है। उस केस में therefore from triangle CBE, CBE, triangle CBE एंगल ई 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है थीटा है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, नहीं समझ आ रहा है, सी बी ई ये एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं यहां से साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस,
साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है सीई, परपेंडिकुलर कितना है सीई, हाइपोटेन्यूज कितना है बी सी या सी बी, कितना हो गया सीई बाई सी बी, सीई बाई सी बी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सीई इज इक्वल टू सी बी साइन थीटा, सी बी यहां पे आ जाएगा, पर सी बी एक्चुअली में क्या है, सी बी एक्चुअली में क्या है, वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो हम बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू वी टू मॉड साइन थीटा, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये एक ट्रायंगल कंसिडर किया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां से साइन थीटा निकाले हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा शायद, फ्रॉम ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लिखते हैं ए सी फ्रॉम ट्रायंगल ए सी ई, कितना हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से हम लिख सकते हैं साइन, ये एंगल अल्फा है, हम बोल सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब सीई बाय एसी, सीई बाय एसी, तो यहां से हम बोल सकते हैं सीई विल बी इक्वल टू एसी साइन अल्फा, पर एसी क्या है मॉड आर, मॉड आर साइन अल्फा, दिखाई दे रहा है इतना नीचे तक, अरे वाह दिखाई दे रहा है, तो कैसे है, ठीक ठीक। तो ये देखिए, ये भी सीई है, ये वन ये टू, ये भी सीई, ये भी सीई, सीई सीई, मतलब सिंपली क्या किया हम यहां पे एक परपेंडिकुलर बना के इस एंगल से साइन थीटा निकाले, इस ट्रायंगल से साइन अल्फा निकाले, दोनों में सीई आ गया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वन एंड टू से हम बोल सकते हैं, वन एंड टू से हम बोल सकते हैं आर साइन अल्फा इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू वी टू बाई साइन अल्फा, हाँ या ना, ठीक ठीक। इसको मान लीजिए हम इक्वेशन थ्री बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब देखिए सिमिलरली ये एक एस्पेक्ट है, ज्यादा हो गया क्या, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट था एकदम, तो सांस लीजिए सांस लीजिए, धीरे धीरे करता है धीरे धीरे, ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दे रहे हैं, प्रूफ आपका एग्जामिनेशन पूछ सकता है नहीं भी पूछ सकता है, 99.9% कभी नहीं आएगा ये सब चीज, पर हम लोग इसको स्टेटमेंट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग बस बेसिकली बस समझ ले रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाएगा r by sin theta v2 by sin alpha, यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं देखिए फिर से, अब हम लोग ना b से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, देखिए अब क्या किया हम, b से AC पर एक परपेंडिकुलर बनाए एट F, कंस्ट्रक्टिंग BF परपेंडिकुलर टू AC, B से F के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाए AC के ऊपर, ठीक है ठीक है। उस केस में फिर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है बी एफ सी में बीटा आ रहा है, तो फिर से आप साइन बीटा निकालिए, देखिए हम हर बार साइन ही निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे साइन चाहिए, साइन बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा उसको ऑपोजिट साइड वाला, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूज होता है, एंड इसके ऑपोजिट वाला क्या होता है
परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एफ बी बाई हाइपोटेन्यूज, ये होगा एफ बी बाई सी बी। फिर से हम यहाँ से बोल सकते हैं एफ बी इज इक्वल सी बी, सी बी क्या है वी टू वैक्टर एक्चुअली में, हो जाएगा वी टू साइन बीटा, ठीक ठीक ये हो गया। एंड फिर से हम बोल सकते हैं अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, ये वाला ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो हम बोल सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अल्फा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा एफ बी बाय एक परपेंडिकुलर, मतलब सुना परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, मतलब कि हम 90 डिग्री बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, सदैव वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, एफ बी बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 डिग्री ऑपोजिट वाला, ए बी, ए बी क्या है वी वन मॉड बाई ए बी, हम बोल सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू वी वन है, ये है वी वन साइन अल्फा, ठीक ठीक। तो देखिए फिर से आया आपके पास, ये एक एफ बी का रिलेशन है, ये एक एफ बी का रिलेशन, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं V2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू V1 साइन अल्फा, यहां से हो जाएगा V2 by साइन अल्फा इज इक्वल्स टू V1 by साइन बीटा, इसको बॉक्स कर दीजिए, ये हो गया इक्वेशन 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए R by sin theta is equals to V2 by sin alpha, but V2 by sin alpha is also equals to V1 by sin beta. R by sin theta is equals to V2 by sin alpha. V2 by sin alpha is equals to V1 by sin beta. तो हम क्या बोल सकते हैं? Therefore, from 3 and 4, क्या हम बोल सकते हैं? R by sin theta is equals to V1 by sin बीटा इज इक्वल्स टू वी टू बाई साइन अल्फा, ठीक, इसको बॉक्स कर दीजिए, खत्म कहानी, आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेन प्रॉब्लम है आपको कि भैया याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखने का जरूरत नहीं है, हाँ याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम होगा आप डायग्राम बनाएंगे, जब भी प्रॉब्लम होगा आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और देखिए नियम ऐसे काम करता है इसका, आर बाई साइन कौन सा, आर के ऑपोजिट में जो एंगल है, आर के ऑपोजिट में जो एंगल है क्या है थीटा है, आर के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है थीटा, आर बाई साइन थीटा, वी वन मॉड, वी वन के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है वी वन मॉड, V1 के वेक्टर में कौन सा ऑपोजिट में एंगल है बीटा, V1 by sin beta। सिमिलरली V2 के ऑपोजिट में जो एंगल होगा ना उसका साइन, V2 के ऑपोजिट में जो वेक्टर होगा उसका साइन V2 by sin alpha, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड by साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू इट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड by साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू इट, मतलब कि ऐसे ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये मान लीजिए एंगल एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, यहां पर क्या लिखोगे ए बाई, ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है जेड, साइन ऑफ एंगल जेड, ये लिखना मत बस समझो एक बार, बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है एक्स, हो जाएगा साइन एक्स, वेक्टर मैग्नीट्यूड सी, सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है एक्स सॉरी वाई, हो जाएगा साइन ऑफ एंगल वाई, समझ में आया। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ना भैया जो मैग्नीट्यूड है उसके ऑपोजिट में जो एंगल है उसका साइन, बस इतना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो चलिए आइए हटाते इसको हम, एंड ऑब्वियसली ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं बाय चॉइस,
ताकि हम ये रिजल्ट डिराइव कर सकें। ये कंस्ट्रक्शन हम लोग खुद से किए हैं, कन्वेंशन मुझे ये रिजल्ट लाना है तो हम ऐसे अप्रोच किए हैं उसको, ठीक है। बस एक बस बस देखो समझ में आ जाएगा आपको। और प्लीज इसको डिराइवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आता डिराइवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, बस आप समझ लो इसको एक बार, ठीक है। डिराइवेशन नहीं आता है कभी, ठीक है, बस आपका एप्लीकेशन चाहिए इसका। इस रिलेशन को हम लोग यूज करना सीखेंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़े हैं, हम आपको बस एक तरीका बता रहे हैं फिर से कैसे याद रखना। देखिए ध्यान से, ये लॉज ऑफ साइन है या फिर लैमिस थ्योरम है, ठीक है। ओके देखिए, ये तीन वेक्टर हैं F1, F2, F3 इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों वेक्टर्स को, तीन वेक्टर्स को एक साइड ऑफ ट्रायंगल से प्रेजेंट किया गया है, तीनों वेक्टर्स को तीन साइड, बस अब ध्यान से सुनिएगा पहले, तीनों वेक्टर्स को थ्री साइड्स ऑफ अ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब अगर जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए लिखते हैं कैसे, साइन लॉ कैसे यूज करते हैं हम लोग। मान लीजिए एफ वन वेक्टर, आप डायग्राम तो आप बना ही लोगे खुद से अपने हिसाब से, ये मान लीजिए एफ वन है, तो एफ वन बाई किसका एंगल, साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू एफ वन, एफ वन के ऑपोजिट में कौन सा है, बीटा, हो जाएगा साइन बीटा, बस हो गया। एफ टू के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एफ टू वेक्टर है, एफ टू वेक्टर के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, अल्फा, तो साइन अल्फा। एफ थ्री वेक्टर इस तरफ है, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज एक डाउट रह गया था लास्ट टाइम, क्लियर कर देते हैं। ये F3 जो एंगल है वो है ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, F3 बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। पर अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा, और ये 90 माइनस ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 है, 180 में से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं आएगा, सिंपली साइन थीटा आ जाएगा, इसीलिए यहां पर फिर से ये साइन थीटा ही आ जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुझे बताना चाहिए था जो हम भूल गए, वो है ये थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन का मैथ याद है, अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना, एक एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यहां पे थीटा क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग बस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखे हैं, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये तो वेक्टर का डेफिनेशन ही है ना, कि एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड लेंथ इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, यहां से भी एक ऐसा इक्वेशन बन जाता है, एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू बाई समथिंग इज इक्वल्स टू एफ थ्री बाई समथिंग, और ये F क्या होगा, समथिंग, समथिंग होगा लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, F1 का लेंथ कितना है AB, ये हो जाएगा F1 by AB is equals to F2 by BC is equals to F3 by CA, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आज हम लोग अब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे आने वाले, इस पर बेस्ड होगा और इस पर बेस्ड है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर
इज सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर, उस हिसाब में एफ वन बाई ए बी, एफ वन वेक्टर का लेंथ कितना है ए बी, एफ टू वेक्टर का लेंथ कितना है बी सी, इसका सी ए, तो एफ वन बाई ए बी इज इक्वल टू एफ टू बाई बी सी इक्वल टू एफ थ्री बाई सी ए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स मूव करते हैं, चलिए आइए स्वागतम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन वन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ेंगे लोग फिर समझेंगे लोग। अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वन वेक्टर एंड 45 डिग्री विद अनदर वेक्टर, फाइंड द टू वेक्टर्स इफ द रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड 15 यूनिट। देखो भैया आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि भैया यहां पर दो वेक्टर्स हैं सच दैट एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द रिजल्टेंट एंड द वन वेक्टर एंड द अदर मेक्स 45 डिग्री विद द अनदर वेक्टर, कौन रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 यूनिट। बोला है फाइंड द टू वेक्टर्स, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, भूल जाओ बस डायग्राम बनाइए। मान लेते हैं भैया हमारे पास ये एक वेक्टर है v1, ये एक वेक्टर है v2, सच दैट अगर हम पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करें, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर दें तो मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर हम ध्यान से दें ये v1 है, ये भी तो v2 ही होगा, ये भी तो v2 ही होगा, अगर हम इसका रिजल्टेंट बना दें कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उस केस में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा बोला है, एक एंगल रिजल्टेंट मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है विथ वेक्टर v1, रिजल्टेंट अल्फा बीटा एंगल बना रहा है विथ v2, तो ये हो गया मेरा बीटा है, ये भी बीटा होगा, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें ये एंगल थीटा था मेरा। डायग्राम याद आया, याद आया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अल्फा को हम 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हम सॉल्यूशन के नाम पर, सॉल्यूशन के नाम पे हम लिख देते हैं कि लेट द टू वेक्टर्स बी v1 एंड v2 मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ रिजल्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। देखिए जब हम पहली बार न्यूमेरिकल करा रहे हैं ना, हम बस बोल के करा सकते थे हम लोग, पर आपको समझना जरूरी है इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत लिखते हैं, ठीक है। पर जब आप घर में कभी कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो आप बस लॉजिकली स्टेप वाइज ये सब लिखने का जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में लिखना अगर पूछा गया है तो, पर अगर आपको अभी जब पहली बार प्रैक्टिस करोगे तो लिखना तो पड़ेगा ना, फिर जब धीरे आदत हो जाएगा तो आप मत लिखिएगा, स्टेप्स स्किप कर दीजिएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ठीक। चलिए देखिए अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, कौन सा, साइन लॉ यूज करके, क्योंकि पता है आपको ये अल्फा ये सब दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे आर मॉड भी दिया हुआ है, कितना 15 यूनिट, ठीक है। Therefore, from laws of sine, क्या बोल सकते हैं हम, r वेक्टर का ऑपोजिट, अच्छा v1 से शुरू करते हैं, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट कौन सा है, बीटा, मतलब साइन 45 डिग्री, भाई साइन 45 डिग्री हाँ या ना, ठीक है, इज इक्वल टू v2 के ऑपोजिट कौन सा है, अच्छा चलो बीटा ही लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो, v2 के ऑपोजिट पे कौन सा है अल्फा, मतलब v2 by sin अल्फा इज इक्वल टू रिजल्टेंट by ऑपोजिट क्या थीटा, मतलब sin थीटा, और
तो आपको वी आपको बीटा पता है, अल्फा पता है, आर पता है, पर आपको थीटा तो पता ही नहीं है। तो थीटा क्या होगा बता पाओगे? थीटा क्या होगा? थीटा आपको पता नहीं है क्या है? दिया हुआ नहीं है तो भूल गए। थीटा क्या होगा? हेयर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 75। 30 प्लस 45 75। तो थीटा का वैल्यू है 75। ठीक है, आपको साइन थीटा चाहिए। देखोन ओ अभी ना मजा आएगा। ठीक है साइन 45। ठीक है इतना रखते हैं। अब देखिए आपको आर पता है, साइन थीटा ये दोनों पता है, ये पता है, वी वन वी टू निकालना है, कौन सा बड़ा बात है? इसको इक्वेशन वन मान लीजिए एंड लिखिए यहाँ पर फ्रॉम वन, फ्रॉम वन हम बोल सकते हैं हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। तो आ जाएगा वी वन बाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। तो डायरेक्टली बोलिए वी वन कितना होगा? वी वन हो जाएगा आर इंटू साइन बीटा। कितना होगा साइन? और आर का पता है कितना है? 15 यूनिट इंटू ये कितना है? साइन बीटा है, बीटा कितना है? 45। साइन 45 डिवाइड बाय साइन 75, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है सिमिलरली फ्रॉम वन, फिर से अगर हम फ्रॉम वन से इक्वेशन बनाए तो हम बोल सकते हैं वी टू बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई साइन थीटा विच इंप्लाइज वी टू इज इक्वल टू आर इंटू साइन अल्फा, उधर चला गया बाई साइन थीटा। Therefore, which is equals to क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे हम 15 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 75। ठीक दिखाई दे रहा? अरे वहां और क्या चाहिए, दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा। अरे देखो तो यहाँ पे अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप बोर्ड एग्जाम में अपेयर करने वाले हो, कैलकुलेटर अलाउड होता है मोस्ट प्रॉब्ली, तो आप डायरेक्टली साइन 45 तो पता है भैया, साइन 45 तो सबको पता है। देखिए साइन 45 आपको पता है 1/√2, साइन 30 आपको पता है हाफ, बस क्या नहीं पता है साइन 75। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो, कैलकुलेटर जिंदाबाद, साइन प्रेस कीजिएगा फिर 45 लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। पर मान लीजिए ये हो गया आंसर कंप्लीट हो गया मेरे यहाँ पर, ठीक है आप वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, हम कर देख लेते हैं। पर मान लीजिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रही हैं तो आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे? आपको निकालना पड़ेगा और तरीका ये है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज। साइन 75 डिग्री इसको लिख सकते हैं हम साइन 30 प्लस 45 डिग्री। ठीक। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मान लीजिए कैलकुलेटर नहीं है, फिर कैसे करोगे? ये लिख याद आया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आया बढ़िया। तो ये हो जाएगा ए ये है ये बी है, मान लीजिए हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। ठीक है ये हो जाएगा साइन 30 वाला कितना हो जाएगा? साइन 30 होता है हाफ इंटू ये होता है कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/√2। तो आंसर हो जाएगा √3 + 1/√2। तो आपको साइन 45 पता है, 30 पता है, साइन 75 पता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। और आंसर के नाम पर हम बता देते आपको आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा कितना आएगा हमको देख लीजिए, हम लिख के रखे हैं पहले से 10.98 यूनिट। ठीक है और इसका आंसर आएगा 7.76 यूनिट। ठीक है हम आपको दोनों चीज़ बता दिया, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड,
अगर नहीं है तो थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको साइन 75 नहीं पता, वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं 30+40 वाला, क्योंकि हमें 30 पता 40 में पता आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है, बोला गया है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 8 यूनिट इज मेकिंग एंगल 53 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला भैया, बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट एंड 8 यूनिट इज मेकिंग एंगल 50 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट कौन दिया है 5 यूनिट के साथ। भैया लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 यूनिट के साथ, फर्स्ट बोला है मतलब जो पहले दिया है उसके साथ। ठीक है, तो फिर चलिए आई और बोला है कि व्हाट इज द, पहले डायग्राम बना के समझाते हैं आपको, डायग्राम बना के समझिए सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा लेट द टू वेक्टर्स बी, लेट द टू वेक्टर्स बी ए एंड बी गिविंग रिजल्टेंट आर, कहानी सॉल्व। अब तो ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया, ये दो वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको ए पकड़ लीजिए, इसको बी पकड़ लीजिए। ठीक है, हम ए वेक्टर को पकड़ ले रहे हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 यूनिट, हाँ या ना? ठीक। तो अगर हम लोग अच्छे बच्चे की तरह अगर एक पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट की करें, तो उस केस में ये वेक्टर अगर बी है तो ये वेक्टर भी बी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा आर। तो अगर इन दोनों के बीच वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, मान लिए हैं, रुकिए ना, शांति रखिए। अल्फा दिया हुआ है, बोला है 5 यूनिट जो वेक्टर है उसके साथ एंगल 53 डिग्री किया गया है, 53 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो उस सेंस में ये हो गया, बोला क्या है, बोला क्या है लोग, तो भूत घुमा फिरा कर दिया यार। ठीक है, कोई नहीं, और तो कुछ नहीं बोला, और तो कुछ नहीं दिया ही नहीं है, जी, क्या बोल दिया। ठीक है, बस ना इतना ही दिया है आपको कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 8 यूनिट, दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट एंड 8 यूनिट, इस में रिजल्टेंट वाला एंगल बना रहा है 53 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, मतलब 5 यूनिट के साथ। और बोला है मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे थीटा निकालना है एंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर मॉड निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर आइए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, देखिए, अच्छा, कोई बात नहीं, फ्रॉम लॉज ऑफ साइन क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ए बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू, इफ तो बी होगा, B by sine alpha, obviously magnitude का बात कर रहे हैं, is equals to R by sine theta। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, पहले पूछा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, पर थीटा निकालने के लिए मुझे ए पता है, बी पता है, अल्फा पता है। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दें तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियसली आपको अल्फा पता है, ए पता है,
बी का मैग्नीट्यूड पता है, आप बीटा निकाल लोगे। इस इक्वेशन को यूज करके मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, हम ये निकाल लेंगे। और जैसे ही बीटा निकल जाएगा उस केस में हम थीटा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, थीटा होता है अल्फा प्लस बीटा। एक बार थीटा निकल जाएगा फिर से कोई भी एक सेट इक्वेशन यूज करके हम आर निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा हाईफाई हो गया क्या? समझ में आ गया? सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो भैया, सांस लो। ये इक्वेशन है, आपको ए पता है, बी पता है, आपको अल्फा पता है, आपको बीटा निकालना। आप बीटा निकाल सकते हो, पहले हम साइन बीटा निकाल लेंगे, वहां से बीटा निकल जाएगा। एक बार बीटा निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा, क्योंकि थीटा होता है अल्फा प्लस बीटा। ग्रेट, ग्रेट। तो एक बार थीटा निकल गया मतलब ये क्वांटिटी पता चल गया मेरे को, तो यहाँ से हम आर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। फ्रॉम वन हम बोल सकते हैं मॉड ए बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू मॉड बी बाई साइन अल्फा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे साइन बीटा चाहिए, तो साइन बीटा निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं। तो हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई बी मॉड। यहाँ पर ए मॉड आएगा पर उसको हम इधर भेज दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे ए मॉड आएगा पर हम उसको इधर भेज दिए हैं। साइन अल्फा कितना हो जाएगा? ओ अल्फा कितना दिया? साइन 53, साइन 53 बाई बी। बी कितना है? बी है 8, मतलब 5 बाई 8। अब आप सोचोगे भैया, ओ भैया साइन 53 कैसे निकाले हम? साइन 53 तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, आप कैलकुलेटर्स कर सकते हो, पर याद करो, प्लीज याद कीजिए। इसको मिला दे क्या? सोचना पड़ेगा। कहाँ ये भी कर देते हैं, देखिए याद कीजिए। आपको हम लोग जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना शुरू किए थे एकदम स्टार्टिंग में बताए थे आपको हम, ये एक नन्ना सा प्यारा सा ट्राइंगल है, मान लीजिए ये है 4, ये है 3, ये है 5। इस केस में ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट वाला एंगल होता है 53 डिग्री, 3 के ऑपोजिट वाला एंगल होता है 37 डिग्री। ठीक ठीक, तो यहाँ से इस अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बस वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा कहानी, खत्म आंसर, कोई बात नहीं है, इजी। पर अगर इफ इनके पास आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से साइन 53 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड, 4 बाई 5। और हम एक बार साइन कॉस भी निकाल दे रहे हैं, कॉस 53 एक बार बताएंगे आपको क्यों। कॉस 53 भी निकाल दे रहे हैं, कॉस 53 कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपो 3 बाई 5। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा बाद में, कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको एक ट्रायंगल बोला गया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 3 4 5, जहां पे 3 के ऑपोजिट वाला 37 डिग्री, 4 के ऑपोजिट वाला 53 डिग्री होना ही पड़ेगा, इन दोनों का सम 90 होना ही पड़ेगा, 53 + 7। ठीक है, मिटा इसको, मिटा दिया। तो उस केस में अगर हम यहां पे वैल्यू पुट कर दे 53 का 4/5, तो हो जाएगा 4/5 × 5/8, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल करेंगे, हाफ साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ, पर हाफ कितना होता है? साइन 30 डिग्री। अरे वाह, मक्खन की तरह आ गया, तो बीटा हो गया 3 डिग्री, इट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, मिटा इसको हम, बीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। और जैसे ही बीटा निकल गया, मिटा इसको, जैसे ही आप बीटा निकाल लिए, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू अल्फा कितना? 53, मतलब कि 53 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 83 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? अब देखिए, हम इस बार कुछ नहीं करेंगे दादा, हम बस आपको बता दे रहे हैं, आपको थीटा पता है, अब फिर से चाहो तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो, आप ये रिलेशन इसके साथ यूज करो या फिर इसके साथ यूज करो, कोई मर्जी, इसके साथ यूज करते हैं। अगेन
आपको ए भी पता है, बीटा भी पता है, बी भी पता है, अल्फा भी पता है, कुछ सब पता है, आप ये इक्वेशन यूज कीजिए या फिर ये इक्वेशन यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पता है आपको, ठीक है। हम ये वाला यूज कर लेते हैं, मॉड ए बाय साइन बीटा इज इक्वल टू आर मॉड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो आर मॉड कितना हो जाएगा, आर मॉड हो जाएगा ए, ए कितना है, ए है 5 यूनिट इनटू साइन 83 बाय साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको साइन 30 का वैल्यू पता है, हाफ होता है, पर 83 का नहीं पता कितना होता है, तो अगर आप थोड़ा दिमाग चलाएं तो आप निकाल सकते हो साइन 83 होता है साइन 53 प्लस 30, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 53 कॉस 30 प्लस कॉस 53 साइन 30। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज किया है, साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 53 होता है 3/5 और ये साइन 30 होता है हाफ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4√3 प्लस 3/10, ठीक है, 4√3 प्लस 3/10 पुट कर दी वैल्यू हो जाएगा 5, साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ, हाफ मतलब ऊपर चला जाएगा, हाफ 1/2 ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, अरे 5 1/2 ऊपर जाएगा 10 नहीं हो जाएगा, 10 इंटू साइन से क्या है 4√3 प्लस 3/10, ये रहा आंसर 4√3 प्लस 3 यूनिट आंसर। हम सारे करीब ध्यान से एग्जांपल देंगे आपको करने के लिए, ठीक है, सोचते रहो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं हम लोग। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, बोला है अ यूनिफॉर्म रॉड, अ यूनिफॉर्म रॉड इज सस्पेंडेड, टांगा गया, सस्पेंडेड मतलब टांगा गया है, By means of two strings of length L1 and L2. Two strings है L1 और L2, इसका length है 0.06 meter and 0.1 meter respectively, दिया हुआ है आपको. Attached to its end, other end R attached to the nail at O. Point O पर एक काटी है और दूसरा end इसमें बांधा गया है, ठीक ठीक. बोला है इफ द टेंशन इन L2 इज 30 न्यूटन, मतलब कि ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन होगा, होता है याद है ना क्लास 10 में कि अगर ये एक मेरा स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ बॉब से मास से लटका के रखें और अचानक से इसको काट दें, हम अचानक से रस्सी ऊपर चला जाता है, इसका मतलब हमेशा इसमें एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा था स्ट्रिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, जो क्लास 10 में पढ़े हैं इतना तो पता है हम लोगों को। मान लीजिए इसका टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T1 है और T2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 30 न्यूटन। बोला है फाइंड द टेंशन इन द अदर, सेकेंड वाले में टेंशन कितना होगा ये बताओ हमको, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये एक रॉड है, यहाँ से एक रस्सी लेके बांध दिया गया, यहाँ से रस्सी लेके बांध दिया गया है, लटका दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, मान लिया हम, तो उस केस में T2 दिया हुआ है, T1 निकालिए, बस ये पूछा है, ठीक है। तो उस केस में अब प्लीज ऑब्जर्व कीजिए सॉल्यूशन, देखिए इतना बस समझना पड़ेगा, समझना जरूरी है बस। हेयर द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, हेयर द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ओके। अब आप मुझसे पूछ सकते हो भैया
इक्विलिब्रियम में एक्ट करने के लिए तो तीन फोर्सेस चाहिए था हम लोग को। अगर एक प्लेन में है हम, तो यहाँ पे तो मिनिमम तीन फोर्सेस चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए। पर यहाँ पर तो देखिए, ये टेंशन इस तरफ है, ये टेंशन इस तरफ है, ठीक है, तो एक और फोर्स कहाँ से आएगा? एक और फोर्स आ रहा है इस रॉड का वेट के वजह से। रॉड का मास कहाँ से एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ, एक सेकेंड, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में। रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, तो बीच से एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा W, which is equals to mg, mass of the rod. क्या समझ में आया? अब हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये AB और ये बराबर होगा। यहाँ पे आपको ये देखिए ना, बस आप ये चीज देखिए, रॉड के मास के वजह से जो वेट आएगा वो भी तो एक फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। पर वर्टिकली डाउनवर्ड किस पॉइंट से एक्ट करेगा? इस रॉड का सेंटर से एक्ट करेगा, ठीक है, ओके। उस केस में हम आपको समझा सकते हैं कि देखिए ये चीज इक्विलिब्रियम में क्यों है। क्यों? क्योंकि देखिए ये फोर्स W ऐसे एक्ट कर रहा है और इसका एरो इस तरफ है, ठीक है। टेंशन इन T2 को हम यहां ला सकते हैं। डायग्राम उतना साफ नहीं बन रहा है, पर ठीक है, लॉजिकली देखिए एरो इधर है, ठीक है, और टेंशन इंस्टिंग कितना? एरो किधर है? एरो इधर है। तो देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं ओ ए बी सी फॉर ट्राइंगल ए ओ सी द थ्री वेक्टर्स T1 ऐसे W कॉमा T1 एंड T2 आर रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर। और अगर याद है हम लिखवाए थे आपको यहां पर कि अगर एक ट्रायंगल में तीनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? याद आया कि अगर एक एक ट्रायंगल में तीनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, यहां बनाए थे वो ट्रायंगल, यहां बनाए थे हम, अगर वो तीनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना ही होगा, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते देयरफॉर यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, मतलब लॉज ऑफ साइन नहीं यूज कर सकते हम, तो क्या यूज कर सकते हैं? ये वाला यूज करेंगे हम। W जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो W का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओ सी के बराबर इज इक्वल टू T1 का लेंथ, T1 का कितना बराबर होगा? L1 के बराबर। T2 का कितना होगा? L2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल लेंगे हम। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। देयरफॉर फ्रॉम वन कैन वी से T1 बाई L1 इज इक्वल्स टू T2 बाई L2 विच इंप्लाइज T1 इज इक्वल्स टू L1 by L2 into T2. ओहो, गाना याद है क्या T2 का? T2 की स्वीटी क्या था? याद नहीं आ रहा। L1 कितना है? L1 है 0.06. ये है 0.1. तो कितना हो जाएगा बबुआ? ये है 30. ये हो जाए, डेसिमल पे शिफ्ट करते हैं, दो है नीचे है, ऊपर आ जाएगा 6/10 into 30 कैंसल, which is equal to 18 न्यूटन आंसर। बस मैथ बस इतना ही था, बाकी सब फिजिक्स था। समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म
चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है? बोला गया है अ मास ऑफ 5 kg, अ मास ऑफ 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग 10 meter लॉन्ग. ठीक ठीक ओ फुल स्टॉप, यहां फुल स्टॉप है भैया, फुल स्टॉप है. ठीक है ठीक है. अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये वाला कि ये वाला? हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला. इज अप्लाइड ऑन द मास टू पुल इट 5 meter फ्रॉम द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. टू पुल इट 5 meter फ्रॉम वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक 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 ठीक. आइए इसका सीन पिक्चर को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं. इनिशियली कंडीशन कुछ ऐसा था, आपके पास यहां पर एक मान लीजिए एक वॉल था, जहां से एक पॉइंट पर एक ये मास, ये एक बॉब था जिसका मास था 5 kg, ये लटक रहा था यहां पर. ठीक है. और ये लेंथ था 10 meter. ठीक ठीक. अब प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, कि बाद में इस पर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया गया, वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया गया ऐसे. कैसे बनाया? ऐसे ऐसे एक वर्टिकल फोर्स एफ अप्लाई किया गया. ठीक है. अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब कुछ है नहीं, ओ हाथ में तो है. देखिए ये मान लीजिए ऐसे था. ठीक है. ये लटक रहा है मास से कुछ, जब इस पर फोर्स अप्लाई हुआ ऐसे, ये चीज ऊपर उठ जाएगा ना. नहीं सुन रहा है? ये ऐसे है, जब इस पर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये चीज तो ऊपर उठ जाएगा ना, इसके इसके बराबर तो नहीं रहेगा ना. मतलब हम बोल सकते हैं ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर. अब ये वर्टिकल लाइन था, अब ये रॉ इधर चला गया. ठीक है. अभी भी इसका लेंथ 10 meter ही होगा लेंथ तो. और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 5 meter. क्योंकि देखो ना भैया, बोला है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास टू पुल इट 5 meter फ्रॉम द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से 5 meter का दूरी पर ये फोर्स एफ एक्ट कर रहा है इधर. ठीक ठीक. अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन एक्ट करेगा टी ऊपर की तरफ. इस स्ट्रिंग में ऑब्वियसली एक टेंशन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ. फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स है, ये टेंशन है इस तरफ. मास किधर एक्ट करेगा? सॉरी, वेट किधर एक्ट करेगा? वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड. ये हो जाएगा वेट विच इज इक्वल टू एम जी. हाँ या ना. तो अगर हम ये डायग्राम को कंप्लीट कर दें ऐसे, तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए है ए, ये बी, ये सी. तो फिर से नोटिस कीजिए कि ये वेक्टर टेंशन टी, डब्ल्यू वेक्टर एंड एफ वेक्टर, टी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, तीनों सेम ऑर्डर में है. मतलब कि ये जो मास है वो भी इक्विलिब्रियम में है. समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया आपको? सिंपल सा देखिए, हम बोल दे रहे आपको क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल
फोर्स बी एफ, ठीक, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स बी ये, ठीक है, एंड यहां पर बोल सकते हैं हेयर, फिर से हेयर टेंशन कॉमा डब्ल्यू कॉमा एफ आर रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर फॉर ट्राइंगल ए बी सी विच इम्प्लाइज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, विच इम्प्लाइज मास इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम क्या बोल सकते हैं ये चीज फिर से W बाई W का कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर कितना, अगर ये W है, ये F है, ये T वेक्टर, ये W वेक्टर, ये F वेक्टर, ठीक है ना, ऑब्वियसली F इस तरफ एक्ट कर रहा है, पर ये तो ये मैग्नीट्यूड जितना वो डिस्प्लेस किया है वो तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा ना, सेम चीज, तो W इस तरफ है, W बाई AB, W बाई AB, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, W बाई AB इज इक्वल्स टू F बाई BC, F बाई BC इज इक्वल्स टू T बाई AC। देखिए आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर AC पता है पर T नहीं पता है, तो आप ये नहीं यूज करोगे, आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है, अगर ये वन है हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम वन हम बोल सकते हैं एफ बाई बी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई ए बी विच इंप्लाइज एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू बी सी बाई ए बी, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं W का वैल्यू कितना है, लिख लेते हैं यहां पर, हम हियर W इज इक्वल टू mg, mg मतलब 5, मास है 5 दिया हुआ है इनटू 9.8 न्यूटन, इतना ही लगता है, ये हो गया W। यहां पर आपको AC पता है, AC है 10 मीटर कॉमा BC है 5 मीटर, ठीक है, तो उस केस में ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको तो ए बी चाहिए, आपको डब्ल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, ए बी चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए हम यहां पर ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं, याद हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB है, सॉरी सॉरी AB चाहिए, AB का AB हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, तो AC कितना है, AC है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, which is equals to 75 का square root, 75 का square root मतलब 25 into 3, तो मतलब 5 root 3 meter, ठीक, ठीक, तो आप बस यहाँ पे f का value put कर दीजिए, therefore f is equals to w कितना है, w है, ओ लिखा तो है 5 into 9.8 इंटू बी सी का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 5 root 3, ठीक है, ये कैंसिल हुआ 5 into 9.8 by root 3, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कर लीजिए, बना से छोड़ दीजिए, 5 divided by root 3 इंटू 9.8 आंसर आएगा 28.29 newton, 28.29 newton आंसर ये हो गया। डायग्राम समझना जरूरी था कि जब आपने इसको फोर्स अप्लाई किया तो ऐसे मूव कर गया, ये तो L है, ये 10 है, ये 5 है, और फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, ये सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब
ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो दिस फोर्स बाय दिस लेंथ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट थोड़ा मेरे को ज़्यादा हो गया आज, समझाने में गलती कर दी है मुझे, कुछ पता नहीं हो गया. समझ में आया? बस आपको याद अगर देखा है तो वे लेक्चर बहुत छोटा ही था. ठीक है, ओके, तो चलिए आज का एपिसोड ये भी समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.